नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में, हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। भोपाल में दिखा भारत बंद का मिला जुला असर, जीएसटी के नियमों में सरलीकरण की मांग। निकाय चुनाव के लिए तैयार है बीजेपी, चुनाव में उतरेगा संगठन का पसंदीदा प्रत्याशी। 70 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में हुआ नया खुलासा, इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर बेची ड्रग्स। ग्वालियर में राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, एमपी, यूपी और दिल्ली की टीमों ने लिया भाग। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज समस्त व्यापारियों से भारत बंद का आह्वान किया था। अब इस बंद का भोपाल में मिला जुला असर देखने को मिला। पुराने भोपाल एरिया में व्यापारियों ने खुलकर बंद का समर्थन किया, तो वहीं अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखते हुए नए भोपाल में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। इस मौके पर व्यापारी संघ का कहना था कि उनका समर्थन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ है। हम व्यापारी जीएसटी के विरोध में नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि जीएसटी के जटिल नियमों का सरलीकरण किया जाए। मैं सतीश कुमार गंगराले, न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ अध्यक्ष। बंद का आह्वान कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बंद रखा है, और आज करीब आप ये मान के चलिए कि इतिहास के अंदर पहली बार 8 करोड़ व्यापारी बंद रख रहे हुए हैं और 10 लाख व्यापारी संगठनों ने इसका समर्थन किया है। हम जीएसटी के विरोध में नहीं है, हम जीएसटी के सरलीकरण के लिए मांग रहे हैं कि जिसमें जीएसटी अधिकारी को आज की तारीख में अब ये प्रावधान है कि वो हमारे खाते बंद कर सकता है, वो हमारे रजिस्ट्रेशन को बंद कर सकता है, ईवे बिल में पेनाल्टी लग सकती है, और कई उन्हें ऐसे कर दिए हैं कि जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। और जो जीएसटी है उसके सरलीकरण के लिए सीए भी आज नहीं समझ पा रहा है कि इसके अंदर कई चीज़ें उन्हें प्रावधान कर दिया है, करीब 936 प्रावधान लेकर के आए हैं, तो अब उसके विरोध में हम बंद कर रहे हैं। जैसा सर ये कुणाल भैया ने बताया है वही समस्या हमारी है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई सरकार हमें साथ नहीं देती है, बंद करते हैं तब भी हमें ये नुकसान उठाना पड़ता है उस चीज़ का, से बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी भैया ने जो घाटा तो सर है, कई कोई मदद करे उसके हिसाब से, कोरोना वगैरह चल रहा है सो उससे भी हमारी कमर टूट चुकी है। बाकी जो भैया ने बताया है वही समस्या है, और कोई समस्या। मेरा नाम रंजीत सिंह राजपूत है सर। प्रदेश में निकाय चुनाव की गर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। बीजेपी ने जहां प्रदेश स्तर पर निकाय चुनाव संचालन समिति बनाई है, वहीं सभी निकायों में प्रभारी भी बना दिए हैं। भोपाल नगर निगम की बागडोर कटनी के पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव को मिली है। इन सभी के बीच बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने स्पष्ट कह दिया है कि इस बार विधायकों की टिकट पर नहीं चलने वाली है। जो बीजेपी का सही और जिताऊ प्रत्याशी होगा उन्हीं को संगठन टिकट देगा। पिछले साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, जो अभी हमारे कार्यकर्ताओं ने इन 7 दिनों के अंदर बूथों पर जाकर काम करा, कहीं कहीं ये देखने में आए कि एकदम से 800 वोट बढ़ गए किसी मतदान बूथ पर, कहीं ये देखने में आए कि 300 बूथ के जो हमारे कार्यकर्ताओं के नाम थे दूसरे वार्ड में डाल दिए ताकि वो वोट वाले दिन भर अपने आप को ही ढूंढता रहे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से आपत्ति लगाई, लेकिन ये मानिए कहीं ना कहीं अगर एवरेजन माने तो 500 नाम 300 नाम ये ऐसी संख्या आई हमारे पास जो बोगस वोट वहाँ पर डाले। एक बूथ पे कितनी संख्या? पूरे बूथों में ये आंकड़े नहीं है, कहीं कहीं स्पेशल बात बता रहा हूँ मैं, हर बूथ पर नहीं है, स्पेशली जहाँ बीजेपी का बड़ा वोट बैंक था या था उन कई बूथों पर ऐसा हुआ कि 200-250 नामों की चाहिए, और कई बूथों पर ठीक काम है। एक तो पूरे बूथों की नहीं कह सकते, पर सामान्यता नरेला विधानसभा, मध्य विधानसभा और उत्तर विधानसभा, ये 3 विधानसभाओं में देखने में आया है कि 1.5 साल में कांग्रेस ने इन मतदाता सूचियों में बहुत छेड़छाड़ की। अब ये तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, हमारी तरफ से कार्यकर्ताओं ने दावे आपत्ति लगा दी। अब ये चूंकि हमारे पास जो बातचीत प्रशासन से भी, उनको लगता है, उनका कहना है कि हम लोग तैयार कर लेंगे। आलोक शर्मा जी, जिला अध्यक्ष थे, उसके बाद विकास गिरानी बने। आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने यहां पर कार्यालय में आकर के हम सबके बीच में उपस्थित हुए, आप सबका आभार करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कि साल में 365 दिन लगातार काम करने वाली पार्टी है, और आज हम नगरीय निकाय चुनाव के मोड पर आ चुके हैं,
और आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव पूरे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, तो उस दृष्टि से आज यहाँ पर शहर में प्रबुद्ध जनों से मिलने के लिए यहाँ के रहवासी संघ हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और व्यवसायी हैं, पथ विक्रेता हैं, ऐसे तमाम लोगों से मिल करके उनके सुझाव लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चूँकि जनता के बीच में जाके काम करने वाली पार्टी है और जनता स्वयं अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र तैयार करे ताकि आने वाले 5 सालों में भोपाल का क्या रोड मैप होना चाहिए, उसके लिए उनके सुझाव प्राप्त करना, उनसे संवाद करना, उनसे मिलना, उस दृष्टि से प्रत्येक जिले में जा करके ये इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति जो मध्य प्रदेश की है वो इसमें प्रत्येक जिले में जाके नगरीय निकायों से सुझाव ले रही है, वहाँ की जनता से मिल रही है और उसके बाद वो जो सारे सुझाव होंगे वो मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर राज्य स्तरीय घोषणा पत्र में आने की स्थिति में होंगे तो उनको उनमें शामिल किया जाएगा। और प्रत्येक नगरीय निकाय का एक अलग से संकल्प पत्र होगा जिसमें नगर के विकास की योजना होगी, उस दृष्टि से यहाँ पर आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पिछले एक माह से इस काम में लगातार लगी हुई है। पहले बूथ स्तर पर जो दावे आपत्ति लेने की बात थी वो 7 तारीख से 15 तारीख तक अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चला। मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ी थी कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी उनको दुरुस्त करने का काम, सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, इसके लिए एक बूथ स्तर का अभियान भोपाल में भी चला, पूरे मध्य प्रदेश में चला और हजारों दावे आपत्तियां प्रत्येक वार्ड के अंदर लगाई गई हैं, जहां पर किसी गलत व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, कोई मृत व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है और कोई व्यक्ति वहां रहता उसका नाम नहीं जोड़ा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जा करके ये काम किया है। शुक्रवार को राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लाखन सिंह यादव प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान नगर कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय कांग्रेसी कार्यालय पर विधायक लाखन सिंह यादव का भव्य स्वागत किया। वहीं पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2023 की तैयारियां करिए, सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। इस अवसर पर नगर के सभी वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कैफे संचालक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने योगेंद्र हर्बल नामक फर्जी कंपनी की आड़ में लॉकडाउन में N95 मास्क उपलब्ध कराने के नाम पर इंदौर, पुणे, मुंबई आदि शहरों के व्यापारियों से ऑनलाइन लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। अब पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी सुनील सेन, मोहित दुबे, सुमित सालुंके और हिमांशु पटेल को अपनी गिरफ्त में लिया है। मुख्य तौर पर धोखाधड़ी के नए नए तरीकों से अपराधी अपराध करते हैं। इसमें अभी हाल ही में कई बार जब कोरोना काल हुआ तो उस समय जो लोगों की तात्कालिक आवश्यकताएं थी उसको ध्यान में दिलाते हुए इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मुख्य तौर ठगी की कई घटनाएं हुई हैं जिसमें एक घटना प्रकाश में आने पर जिसमें मुख्य तौर पर N95 मास्क को बेचने को लेकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई थी, उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। इंदौर में 70 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में अब एक और नया खुलासा हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सदर बाजार इलाके में रहने वाले ड्रग्स पेडलर रईस ने कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा के नाम पर ड्रग्स बेची थी। बताया जा रहा है कि रईस ने होटल, जिम, पब और बस्तियों में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए पेडलर्स की एक चेन बनाई थी। इसके चलते रईस ने दवा के नाम पर करीब 100 से अधिक लोगों को ड्रग्स का शिकार बनाया है। तौर पे ड्रग्स को लेकर के पुलिस ने लगातार कार्रवाइयां की हैं और इसमें 2 दर्जन से ज्यादा कार्रवाइयां इंदौर में और बुरहानपुर में भी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स पकड़ी गई है। अगर यहां पर करें तो कई जानकारियां मिली हैं। मुख्य तौर पे जो युवाओं को एक ट्रैप में फंसाने के लिए जिस तरीके तरीकों का उपयोग किया जाता था वो मुख्य तौर पे चिंताजनक है, जिसमें कई बार वेट कम करने के नाम पर, कई बार जिम में अच्छे मसल्स के लिए और कई बार स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीकों से बातें करके, अलग अलग तरीकों से माध्यमों से युवाओं को आकर्षित करके इस तरह के वो ट्रैप में फंसाते थे। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को, जैसा कि आपको पता है, बड़ी गंभीरता से लिया था। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों में इसकी गिरफ्तारियां हुई और इसी कड़ी में जो नए आरोपी पकड़े गए हैं उन्होंने जो कुछ नाम बताए हैं उनकी भी गिरफ्तारी इसमें की गई है। इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में बुधवार रात पुरानी रंजिश को लेकर क्षेत्र के ही 2 गुंडों के गुटों के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान क्षेत्र के ही एक गुट ने दूसरे गुट के गुंडों पर चाकू व तलवार से हमला कर दिया था और एक युवक को घायल कर दिया था।
वहीं यहां पुलिस ने पकड़े गए चारों आरोपियों का जुलूस निकाला है ताकि क्षेत्र में गुंडों का भय कम हो सके। इस मामले में थाना प्रभारी पवन सिंघल का कहना है कि पकड़े गए आरोपी और घायल हुए दोनों ही पहले से क्षेत्र के लिस्टेड बदमाश हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये सभी जो आरोपी पकड़ाए हैं लिस्टेड बदमाश है जो थाना के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। इनके बारे में लगातार सूचना मिल रही थी कि ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। कुछ के पास से आर्म्स के तहत कार्रवाई हुई है, हथियार पकड़ाए हैं, कुछ अवैध शराब में कार्रवाई हुई है और कोई शांति भंग होने में कार्रवाई हुई है। ऐसे टोटल 10 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक फौजी के साथ ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। दरअसल यहां रहने वाले फौजी पवन मौर्य ने उसकी महिला मित्र के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी फौजी के अनुसार कुछ समय पहले उसकी एक महिला के साथ दोस्ती हुई थी। अब वही महिला शादी के लिए परेशान कर रही है और साथ ही पैसों की मांग भी कर रही है। फौजी पवन मौर्य की माने तो वह महिला को 35,000 रुपये भी दे चुका है, लेकिन फिर भी महिला परेशान कर रही है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश शुरू की है। कल थाना बाणगंगा क्षेत्र में एक कंप्लेन आई है जिसमें एक अभी पता चला है कि एक फौजी है जिन्होंने थाना के रिपोर्ट किया कि उन्होंने एक फ़ोन पे किसी एक महिला मित्र के साथ संपर्क हुआ था उनका, तो उनकी वार्तालाप और उनकी बातचीत बड़ी थी। फिर उसके बाद में समय जैसे ही गुजरता गया उसके बाद में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसके चलते बता रहे हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो जो महिला है उनको उनसे पैसे भी मांग रही हैं, उनको ब्लैकमेल भी कर रही हैं, जिसके चलते उन्हें परेशान होकर आवेदन दिया है। वो आवेदन थाना बाणगंगा पे हम लोगों ने जांच में ले लिया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो जांच उपरांत की जाएगी। इंदौर के किशनगंज थाना क्षेत्र से गहने चमकाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। यहां रहने वाली एक महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह जब घर पर थी तब दो युवक घर पर आए और गहने चमकाने की बात कहने लगे। महिला भी उनके झांसे में आ गई और अपने सोने के गहने युवकों को सौंप दिए। इसके बाद महिला को झांसा देकर आरोपी सोने के गहने लेकर वहां से फरार हो गए। अब पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश शुरू की है। थाना किशनगंज पर फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की कि दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और मेरे गहने चमकाने हैं क्या, ऐसा पूछा। बाद में जब मैंने उनको गहने दिए और चमकाने के बाद उन्होंने कहा ये आपके गहने हैं, और बाद में जब मैंने अपने उसको पोटली को खोलकर देखा तो उसमें मेरा मंगलसूत्र और अंगूठी नहीं थी, जिस पर से थाना किशनगंज में अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है, उम्मीद है जल्दी हम पकड़। शुक्रवार को इंदौर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कोविड काल में एयरपोर्ट पर विशिष्ट सेवाएं देने के लिए कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी और पद्मश्री जनक पल्टा ने नगर निगम के 12 कर्मचारियों को एयरपोर्ट पर कोविड काल में विशिष्ट सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया है। साथ ही विभिन्न विभागों के 50 कर्मचारियों को भी मेडल देकर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में एयरपोर्ट डायरेक्टर अरियमा सान्याल, निगम अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव, CISF के डिप्टी कमांडेंट मनिंदर सिंह भी उपस्थित रहे। ग्वालियर में राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ है। बता दें शहर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। इस टूर्नामेंट में मेजबान MP के साथ ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली की टीमें भी शामिल हुई है। खास बात यह है कि लेदर बॉल से हो रहे इस टूर्नामेंट में सभी दिव्यांग खिलाड़ी व्हीलचेयर पर ही क्रिकेट खेल रहे हैं। मैच के दौरान खिलाड़ियों का जज्बा तारीफ के काबिल नजर आया। वहीं तीनों राज्यों के दिव्यांग क्रिकेटरों का हौसला बढ़ाने के लिए दर्शक भी मैदान पर पहुंचे। ये हमारा मध्य प्रदेश का जो मेजबानी मिली है ग्वालियर को, इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ दिल्ली और महाराष्ट्र की टीमें यहाँ अपना प्रदर्शन कर रही हैं। ये 2 दिन तक ये प्रतियोगिता चलेगी, सभी टीमें आपस में एक दूसरे से मैच खेलेंगी। मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम लोगों ने इस आयोजन को यहाँ लिया है। मध्य प्रदेश जो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसने दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को ये मार्गदर्शित किया है कि समय समय पर
में दिव्यांगजनों के भी क्रिकेट को बढ़ावा देने, उसी उद्देश्य में हम लोगों ने यहाँ रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में इस प्रतियोगिता को लिया है और हम यहाँ इसको करा रहे हैं। पूरे राज्यों से विभिन्न बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ ग्वालियर में आए हैं। महाराष्ट्र की टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दिल्ली की टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और निस्संदेह भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को दिव्यांगजनों को खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहिए और इसी तारतम्य में हम लोगों ने इसको किया है यहाँ पर। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर अंड्रेड, जनता की बुलंद आवाज। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर अंड्रेड की सारी नोटिफिकेशन पाइए।